नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। जेब पर भारी कश्मीरी केसर, 110 रुपए प्रति ग्राम चल रहे चिल्लर में। कंपनियों का मार्केट कैप 1,11,000 करोड़ रुपए बढ़ा, टीसीएस को सबसे ज्यादा फायदा। सबसे महंगे मसालों में से एक केसर के दाम पिछले कुछ दिनों पहले चढ़ गए थे, जो कि अब तक नहीं उतरे हैं। केसर के भाव अभी 90 से 95 रुपए प्रति ग्राम और चिल्लर में 100 से 110 रुपए प्रति ग्राम चल रहे हैं। किलो में देखा जाए तो यह अभी 90,000 से 1,10,000 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं। कश्मीर से आने वाला बेबी ब्रांड केसर जेब पर भारी पड़ रहा है। व्यापारियों के अनुसार केसर के भाव इसकी फसल के पर निर्भर करते हैं। कश्मीर में नवंबर में इसकी फसल आती है। मौसम सही रहा तो फसल अच्छी होने की संभावना व्यापारियों द्वारा लगाई जा रही है। पिछले वर्ष फसल को करीब 20 से 25% का नुकसान हुआ था। देश में कश्मीर इकलौता केसर उत्पादक राज्य है। यहाँ हर वर्ष करीब 17 टन केसर का उत्पादन होता है। कश्मीर के अलावा ईरान से भी यहाँ केसर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। विदेशों में गिरावट के रोग तथा स्थानीय मांग प्रभावित होने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बीते सप्ताह सोयाबीन, मूंगफली, बिनोला और पामोलिन कांडला तेल कीमतों में गिरावट रही, जबकि स्थानीय मांग बढ़ने और डीओसी के निर्यात मांग के कारण सरसों तेल तिलहन और सोयाबीन दाना एवं लुस के भाव लाभ दर्शाते बंद हुए। बाजार के जानकार सूत्रों ने कहा कि मार्च, अप्रैल और मई के दौरान आयातित तेलों के मुकाबले सस्ता होने की वजह से सरसों की खपत बढ़ी है। सरसों से रिफाइंड बनाए जाने के कारण भी सरसों की कमी हुई। खाद्य नियामक FSSAI द्वारा 8 जून से सरसों में किसी अन्य तेल की मिलावट पर रोक लगाए जाने से भी उपभोक्ताओं में शुद्ध सरसों तेल के लिए मांग बढ़ी है। सरसों की मांग के मुकाबले बाजार में आवक कम है और किसान रोक रोक कर माल ला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। घरेलू शेयर बाजारों में तेजी का लाभ कंपनियों को मार्केट कैप में बढ़ोतरी के रूप में मिल रहा है। बीते सप्ताह बाजारों में रही तेजी के चलते बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE की टॉप 10 में से 6 कंपनियों के मार्केट कैप में 1,11,220.5 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इनकम टैक्स नियम के मुताबिक इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स जो मार्च 31 को खत्म हुए पिछले वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए ITR 1 या ITR 4 दाखिल करते हैं, उन्हें 31 जुलाई तक ये करना होता है। कंपनियों और फर्म जिनके अकाउंट का ऑडिट जरूरी होता है उनके लिए ये डेडलाइन 31 अक्टूबर होती है, लेकिन टैक्स पेयर्स की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये तारीखें अब आगे बढ़ गई है। इंडिविजुअल्स अब वित्त वर्ष 2020 और 21 में कमाई गई इनकम के लिए टैक्स रिटर्न 31 जुलाई की बजाय 30 सितंबर तक भर सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT ने कंपनियों के लिए रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। कोविड-19 महामारी के असर को देखते हुए टैक्स पेयर्स को कुछ टैक्स कंपाइंस को पूरा करने और विभिन्न नोटिसों पर जवाब देने में भी असुविधा का सामना करना पड़ा है। इस मुश्किल दौर में टैक्स पेयर्स द्वारा किए जाने वाले कंपाइंस को आसान बनाने के क्रम में राहत दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस की समय सीमा को एक बार फिर आगे बढ़ाने को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही कोविड-19 के इलाज पर हुए खर्च और कोविड-19 के चलते हुई मौत पर मिली अनुग्रह राशि पर कर छूट का भी ऐलान किया है। आलोच्य सप्ताह में राज्य में लॉकडाउन खुलने से व्यापार में सुधार रहा। चना दाल, तुअर दाल, मसूर दाल में बाजार तेज रहे, उड़द में भाव तीखे रहे, साथ ही मूंग तथा मूंग मोकर में सुस्ती रही और बटाना दाल में भाव पूर्वरत है। अनाजों में गेहूं में अच्छे मालों का उठाव रहा, चावलों में दृढ़ता कायम रही, कनकी में साधारण मांग से भाव टिके रहे। चने की कीमतों में निचले भाव में मांग अच्छी रही, जिसमें भाव में सुधार रहा। राज्य की मंडियों में चना 100 से 125 तेज हुआ है। नागपुर में 4,750 से 4,950 तक भाव चढ़े। चना दाल में 75 से 100 की तेजी रही। 6,200 से 6,800 तक भाव चना दाल में रहे। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। जेब पर भारी कश्मीरी केसर, 110 रुपए प्रति ग्राम चल रहे चिल्लर में। कंपनियों का मार्केट कैप 1,11,000 करोड़ रुपए बढ़ा, टीसीएस को सबसे ज्यादा फायदा।
बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।